महिला और पुरुष में बराबरी हो, ये बात अभी 2 दिन पहले ही जोर शोर से की गई, लेकिन बराबरी मिलने को कई बार महिला नहीं पचा पाती तो कई बार पुरुषों को भी इसे पचाने में काफी दिक्कत आती है। अब अगर डीएसपी पत्नी को इंजीनियर पति उसके घर में ही मारपीट करके चला जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सोचिएगा कि डीएसपी की प्रोफाइल में होकर भी पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है तो आम इंसान का क्या होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घर में घुस करके महिला डीएसपी के साथ उनके पति ने मारपीट की, और हैरानगी की बात यह है कि ये मारपीट उनके पति ने ही की है। इस मामले में डीएसपी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, ये होनी ही थी। और ये जो डीएसपी हैं नेहा पच्चीसिया फिलहाल पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी 2019 में कुणाल जोशी से हुई थी। जोशी पेशे से इंजीनियर हैं और नेहा अपने पति से अलग रह रही हैं चार इमली इलाके में। उन्होंने 2 दिन पहले हबीबगंज थाना पुलिस को बताया कि उनके पति घर पे आए थे और जबरन उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की और घर में आ करके उन्होंने झगड़ा किया और इस झगड़े में ही डीएसपी को उन्होंने धक्का दिया और उनका सिर दीवार में टकराता है। पुलिस ने नेहा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं उनके पति से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को मिलने पहुंचे थे वहां। दरअसल डीएसपी नेहा पचीसिया के जुड़वा बच्चे हैं और उनके पति कुणाल जोशी छोला मंदिर इलाके में रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो पति हैं वो नशे के आदी हैं। कोर्ट में दोनों के खिलाफ तलाक का मामला भी चल रहा है। बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं, मतलब डीएसपी के पास रहते हैं, और फरवरी 2021 में नेहा का गुना से ट्रांसफर हो गया था। गुना के ट्रांसफर की भी मैं आपको बात बताऊंगी। इसके बाद उनके नाम से फेसबुक पे एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा हुआ था आईजी अमराज शर्मा इज अवर कल्प्रिट, यानी कि आईजी हमारे दोषी हैं। अब ये बात अगर नेहा की वॉल से पब्लिक होती है तो बहुत बड़ी बात है। इस पोस्ट के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचना जाहिर सी बात थी। फिर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। जिस वक्त ये घटना होती है उस वक्त अविनाश शर्मा ग्वालियर रेंज के आईजी थे। नेहा पच्चीसिया की इस पोस्ट के वायरल होने से विभाग में काफी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने ये सफाई दी कि जो पोस्ट वायरल हो रही है वो उन्होंने नहीं की है बल्कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और फेक अकाउंट या फिर बना करके ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये भी उन्होंने सफाई दी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में शिकायत करेंगी आईटी सेल से। लेकिन जो आईजी थे अविनाश शर्मा, उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताया। अब सोचने की बात यह है कि नेहा पचीसिया जो है काफी कंट्रोवर्शियल है, एक बात। दूसरी बात, डीएसपी का रैंक कोई छोटा नहीं होता है। उसको कोई उसके घर में ही आकर के मारपीट कर जाए तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात होती है, कोई आम आदमी तो नहीं करेगा। उनके पति ने उनका सिर फोड़ा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई बहुत ही छोटे लेवल का कर्मचारी हो, उसे ये बखूबी पता होता है कि कौन सा क्राइम किस तरीके से आने वाले समय में
उसको फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि डीएसपी पचीसिया ने अपना सिर खुद से ही फोड़ लिया होगा। जाहिर सी बात है उनके पति बच्चों को मिलने आए होंगे और उन्होंने उनको रोका और वो ज़बरदस्ती घर में घुसते हैं, उसके बाद ये घटना होती है सिर पे चोट लगने की। लेकिन डीएसपी के घर में कोई घुस कैसे सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे अपनी राय आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ किसी नई कंटेंट के साथ, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।